हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लॉ जिग में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी क्या होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इस साल के यूपीएससी के टॉपर कनिष्क कटारिया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने देश के सबसे कठिन एग्जाम को क्वालिफाई किया और उसमें टॉप पोजिशन हासिल की। तो फिर आते हैं वीडियो पे। तो वीडियो में सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी क्या होता है, मीनिंग ऑफ यूपीएससी। फिर सेकंड पे डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यूपीएससी डेवलप कैसे हुआ, यूपीएससी कैसे आया। फिर हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ यूपीएससी, कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी के बारे में कुछ दिया गया है कि नहीं दिया गया है, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है। फिर डिस्कस करेंगे एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी, यूपीएससी कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करती है। और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर यूपीएससी, यूपीएससी के लिए हम अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले आते हैं मीनिंग, यूपीएससी क्या होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटमेंट करने के लिए एक एजेंसी है, जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए अपॉइंटमेंट करती है। ऑल इंडिया सर्विसेज के ग्रुप ए और ग्रुप बी के परीक्षाओं के लिए अपॉइंटमेंट करती है, सिलेक्शन करती है और एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब हम डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी का इतिहास क्या है। तो 1923 में ब्रिटिशर्स के द्वारा रॉयल कमीशन एस्टेब्लिश किया गया, जिसके चेयरमैन लॉर्ड ली ऑफ फेरहम थे। तो इनको इस कमीशन को इसलिए एस्टेब्लिश किया गया क्योंकि इस कमीशन को रिकमेंड करना था कि सिविल सर्विसेज के लिए अपॉइंटमेंट कैसे हो। तो इस कमीशन ने 1924 में रिकमेंड किया और इनके रिकमेंडेशन के द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन 1 अक्टूबर 1926 को बनाया गया, जिसके चेयरमैन रॉस बार्कर बने। ठीक, तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, इसमें प्रोविजंस ये थे कि इसमें 40% इंडियंस हो सकते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, 40% ब्रिटिशर्स हो सकते हैं और 20% प्रमोटेड कैंडिडेट्स हो सकते हैं। 20% प्रमोटेड कैंडिडेट्स का मतलब यह है कि जो प्रोविजनल सर्विस में काम करते हैं उनको प्रमोट करके सिविल सर्विसेज में लाया जाएगा। ठीक, लेकिन सबसे बड़ी कमी ये थी या डिफेक्ट ये था पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में जो बनाया गया, कि ये केवल एडवाइजरी बॉडी थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को केवल एडवाइस कर सकती थी। तो इसीलिए 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। और वही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की प्राप्त की, तो वही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में बदल गया। तो अब हम आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है यूपीएससी के, यूपीएससी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, संविधान में यूपीएससी के बारे में कुछ दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है यूपीएससी। संविधान के आर्टिकल 315 से 323 में यूपीएससी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 में यूपीएससी के बारे में बताया गया। तो इसमें यह बताया गया कि कंपोजिशन कैसे, यूपीएससी जो होती है कमेटी, इसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होगा इन मेंबर्स का, रिमूवल ऑफ मेंबर्स को हटाया कैसे जाएगा, और यूपीएससी के जो फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें आर्टिकल 315 और से आर्टिकल 323 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताई गई है। ठीक, अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी में कंपोजिशन क्या क्या होता है, मतलब कितने मेंबर्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें। तो यूपीएससी में एक चेयरमैन होता है, ठीक, और 10 और मेंबर्स होते हैं, मतलब एक चेयरमैन और 10 अलग मेंबर, मतलब कि 11 टोटल होते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन अरविंद सक्सेना जी हैं। ठीक, और जो इनको इनके चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, प्रेसिडेंट इनके चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। ठीक, तो जैसा कि हम सभी लोगों को लगता है, मुझे भी लगता था कि यूपीएससी केवल सिविल सर्विसेज एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपीएससी कई तरीके के एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, जिसमें से सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एनए एंड एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी, ये एनडीए के थ्रू आप
देश की जो तीन फोर्सेस हैं आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, आप इसमें जा सकते हैं। तो एनडीए का फॉर्म आप प्लस टू करने के बाद या इंटर करने के बाद आप एनडीए का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, दूसरा जो एग्जाम यूपीएससी करवाती है उसका नाम है SCRA, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। ठीक, ये रेलवे का एग्जाम है, रेलवे में इंजीनियर पद का, इंजीनियर पोस्ट का एग्जाम होता है, तो आप ये भी एग्जाम यूपीएससी करवाती है। तीसरा एग्जाम जो यूपीएससी करवाती है वो होता है CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इसके थ्रू भी आप देश की जो तीनों फोर्सेस है आर्मी नेवी और एयरफोर्स, इसमें आप जा सकते हैं। ये CDS आप ग्रेजुएशन के बाद CDS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है उसमें आता है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में IAS, IPS, IFS, इंडियन एयरफोर्स, सॉरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और इसी तरीके के तमाम और एग्जाम्स भी सिविल सर्विसेज के अंडर करवाती है यूपीएससी। ठीक, अब हम आते हैं कि यूपीएससी के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो हर साल यूपीएससी अपना एक एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च करती है हर साल, तो इसको आप यूपीएससी के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऑफिशियल कैलेंडर में ये दिया रहता है कि यूपीएससी इस साल कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगी, किसमें कितनी वैकेंसीज हैं, किसकी डेट कब आप इस एग्जाम्स के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कब इसका एग्जामिनेशन होगा, किसकी फीस कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, सारी चीजें उस कैलेंडर में दी रहती हैं। यूपीएससी इसको हर साल लॉन्च करती है, तो आप इसको upsc.government.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अब हम जैसे कि हम देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी एक नई पॉलिसी लॉन्च की है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट भर्ती की करेंगे ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ठीक है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और अगर एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये यूपीएससी में डायरेक्ट भर्ती करेंगे लोगों की, तो मुझे जहां तक लगता है कि ये बहुत गलत है और ये पार्शियलिटी होगी अन्य लोगों के साथ जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करेगी तो आगे सी बात है वो अपने फेवर के बंदे को अपॉइंट करेगी, तो पार्शियलिटी तो होगी होगी। तो मैं गवर्नमेंट की इस पॉलिसी का अपोज करता हूँ, और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और थैंक यू।